बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है मेरी रब पाक से कि वो हम सब के तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियों को दूर करे, हमें अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन सुमान। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अफ़गानी आमलेट की रेसिपी। इसको मैं पटेटो और टमाटो की मदद से तैयार करूँगी। ये खाने में बहुत लजीज होता है और दूसरे आमलेट की नस्बत थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें मैं हाफ कप जो है वो कुकिंग ऑयल शामिल करूंगी। इसी के साथ मैं इसमें पोटैटो शामिल कर लूंगी जो मैंने ऑमलेट साइज के बारीक काट लिए हैं। तो इन पोटैटो को जो है वो मैं तकरीबन एक मिनट के लिए फ्राई करूंगी। पोटैटो जो है वो मेरे अच्छे से फ्राई होना शुरू हो गया है। तो मेरी आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। अब जो मेरे पोटैटो में फ्राई हो चुके हैं, मैं इसमें प्याज शामिल करूंगी। ये मैंने एक प्याज ले लिया था और इसको भी मैंने जैसे हम ऑमलेट के लिए काटते हैं उसी तरह बारीक मैंने काट लिए है। इसी के साथ जो है मैं अब ये भी थोड़े फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसमें शामिल करूंगी टमाटर। टमाटर जो है वो भी मैंने बारीक जो है वो काट लिए हैं ऑमलेट की तरह के। ये मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर लिए थे। अब मैं इसमें जो है वो बाकी मसाला जात जो है वो शामिल कर लूंगी। मैं है जी सब्ज मिर्चे में शामिल करूंगी। ये भी मैंने बारीक चॉप की है, ये ऑप्शनल है। ये मेरी जो मिर्चे हैं ये स्पाइसी नहीं है, इसलिए मैं इनको एज अ टेस्ट और खुशबू के लिए शामिल कर रही हूँ। नमक हाफ टेबल स्पून, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। ब्लैक पेपर हाफ टेबल स्पून, ज़ीरा हाफ टेबल स्पून। तमाम मसाला जात जो है वो अपने आप ऑमलेट के मुताबिक और अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। अब मैं इनको तकरीबन 5 मिनट के लिए जो है कवर करके छोड़ दूंगी ताकि ये, और इनकी जो आंच है वो मैंने बिल्कुल लो कर दी है ताकि ये अच्छे से गल जाए। अब मैं इसका कवर उतार के इनको चेक कर लूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आलू बहुत अच्छे से गल गए। अब मैं इनमें अंडे शामिल करूंगी। अंडे शामिल करने से पहले इसमें मैं थोड़ा सा धनिया जो है वो शामिल करूंगी। ये सब्ज धनिया जो फ्रेश है ये मैं हल्का सा इसमें शामिल कर लूंगी और थोड़े से ये चिली फ्लेक्स। अब मैं इसमें अंडे शामिल करूंगी और अंडों को मैंने इस तरह अलग से बाउल में निकाल लिए ताकि कोई अंडा खराब हो तो पता चल जाए। इनको मैं जो है वो तोड़ूंगी नहीं अंडों को, इसी तरह ही डालूंगी, साबुत इनकी जर्दी रखूंगी। मैं 5 अंडे शामिल करूंगी। आप अपने अफराद के मुताबिक या जितने आप डालना चाहें उस तरह डाल सकते हैं। इस तरह एक एक करके मैं सारे अंडे इनमें शामिल कर लूंगी। इसमें मैं कुछ सब्ज मिर्चें शामिल कर लूंगी जो मैंने इसी तरह लंबी काटी है, ज्यादा इनको चॉप नहीं की है, ये शामिल कर लूंगी। मैं अब बिल्कुल लो आंच पे जैसे हम दम पे रखते हैं इस तरह रखूंगी थोड़ी देर के लिए
5 मिनट के लिए इनको कवर करके छोड़ दूंगी। 5 मिनट इन्हें गुजर चुके हैं, अब हम इन्हें खोल के चेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जबरदस्त तैयार हो चुके हैं, अंडे फुल पक चुके हैं। तो अब मैं इन्हें डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। इनको इस तरह जो टमाटर और आलू है उनके समेत इनको उठा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑमलेट जबरदस्त तैयार हो चुका है, उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आएगा। और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, मुझे अपनी दुआ में याद रखें।